नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। रेगिस्तान के सीने पर बारूद से चेतावनी की कहानी लिख दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद के धुएं के बीच बाड़मेर में युद्धाभ्यास के जरिए पड़ोसी पाकिस्तान को दिखा दिया गया कि आतंकी भेजे तो उनका यही अंजाम होगा। बीकानेर में भारत और ओमान की सेना ने चौथा साझा युद्धाभ्यास किया और इस बात पर फोकस था आतंक का खात्मा। देखिए बीकानेर से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। भारत और ओमान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास राजस्थान के एक पश्चिमी इलाके से, और इस वक्त आप देख सकते हैं भारत और ओमान के सैनिक जो हैं आतंकियों से लोहा लेने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए उतरने वाले हैं। यहां से ये लोग आतंकियों के ठिकाने तक उसे नष्ट करने के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं दो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें भारत और ओमान दोनों की सेनाओं के इस वक्त हमको सैनिक जवान आपको देखने को मिलेंगे। ये चौथी बार युद्धाभ्यास हो रहा है भारत और ओमान के बीच। तकरीबन 50 लाख की आबादी का देश ओमान, और वहां पर युद्धाभ्यास में भारत हमेशा सहयोग करता रहा है क्योंकि भारत और ओमान के राजनीतिक रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर के जरिए इन सैनिकों को लाया जा रहा है क्योंकि एक आतंकी पर कार्रवाई होनी है। एक आतंकी सूचना मिली है कि कुछ जगह पर आतंकी छुपे हुए हैं और ऐसे में यहां पर वो ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे हैं। इस स्ट्राइक के लिए दोनों जो देश हैं उनकी सेनाएं, उनके जवान यहां पहुंचे हैं इस हेलीकॉप्टर के जरिए, और अब हम इन सैनिकों को उतरता हुआ देख सकते हैं कि कैसे दुर्गम परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर के जरिए इन सैनिकों को पहुंचाया जाता है, और उसके बाद वो पहुंचते हैं उन जगहों पर जहां पर उन्हें अटैक करना होता है, स्ट्राइक करनी होती है। इस बीच आप वो टैंक भी देख सकते हैं जिसके जरिए वहां पर कुछ और सैनिक वहां पहुंच रहे हैं। तेज रफ्तार से उड़ता चलता हुआ ये टैंक, उसी के बीच एक और टैंक हम देख सकते हैं कि ये दोनों टैंक जो है आतंकी ठिकानों तक कैसे पहुंचेंगे। तकनीक का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है, देख सकते हैं कि ड्रोन कंट्रोल हो रहा है किस तरीके से अपने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, और यहाँ पर ड्रोन के जरिए। राकेश जी, कितने ड्रोन हैं यहाँ? यहाँ पे दो ड्रोन हैं। तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? जो भी एरिया का रेकिंग किया जाता है वहाँ पे सर्वेलेंस करके पाके यहाँ इन्फॉर्मेशन पीछे दिया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई किया जाता है। रेकी करने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सैनिक भारत और ओमान के दोनों इस बीच यहाँ पहुंच चुके हैं, और किस तरीके से इन्होंने मोर्चा बंदी कर ली है कि दुश्मन की किसी भी तरीके की खबर लगे तो उसके बारे में वो पूरी तरह से उसका जवाब दे पाएं, उसका पूरी तरह से जवाब दे पाएं। पूरा ड्रिल और पूरी एक्सरसाइज ठीक उसी तरीके से जैसे कि युद्ध के मैदान में होती है। ये दोनों सैनिक, जिनमें एक भारतीय सैनिक है और एक रॉयल आर्मी ऑफ ओमान का सैनिक है, इस वक्त उन्हीं परिस्थितियों में जो युद्ध के मैदान में होती हैं, ठीक उन्हें यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कैसे दुश्मन के ठिकाने तक खुद को छिपा कर पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये ज़रूरी है कि खुद को नज़रों से बचाए रखा जाए, दुश्मन के हाथ न लगें। देख सकते हैं कि बिल्कुल सबसे पहली चीज़ खुद को सुरक्षित रखना और दुश्मन को ख़त्म करना। इस बीच हेलीकॉप्टर से तमाम सैनिकों के उतरने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है इस तरीके से, और ये मुस्तैद जवान हम देख सकते हैं कि जो दुश्मन का जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। माहौल के मुताबिक खुद को ढालना ये सबसे पहली ज़रूरत होती है सैनिक के लिए। जिस तरीके की झाड़ियाँ मरुस्थलीय इलाकों में मिलती है, वैसी ही पोशाक और खुद को पूरी तरह से छिपाए रखते हुए दुश्मन पर घात लगाने को तैयार। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये भारत और ओमान के जो सैनिक हैं वो किस तरीके से यहाँ पर घात लगाए बैठे हैं ताकि दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद किया जा सके। हेलीकॉप्टर, टैंक और तकनीक, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हम इस जगह पर किया जा सकता है, कैसे देख सकते हैं।
और अब आतंकी के ठिकाने पर घात लगाकर उन्हें जवाब देने की तैयारी देखा जा सकता है। भारतीय सेना और ओमान के जवान इस वक्त यहां पर घात लगाकर पहुंच चुके हैं, ठीक उस जगह पर जहां पर आतंकियों का ठिकाना है। और ये देखा जा सकता है कि सीधा यहां पर फायरिंग शुरू की गई, दरवाजे को तोड़ के भीतर घुसे, लेकिन काउंटर फायरिंग से बचने के लिए खुद को शेड में रखा और उसके बाद लगातार सैनिक जो है अंदर जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, यानी कि आतंकियों के ठिकाने पर सीधा हमला। इस बीच दूसरी जगह से कुछ पोजिशन लेते हुए ये सिपाही जा रहे हैं, खुद को छुपाए रखते हुए बाकायदा यहां पर बिल्कुल जमीन पर चलते हुए रेंगते हुए हम कह सकते हैं कि यहां से ये लोग दूसरे ठिकाने पर जा रहे हैं ताकि वहां पर रेकी करने के बाद और अगला कार्रवाई की जा सके। तो ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर हम देख सकते हैं कि सेना के जवानों ने घेर लिया है और आतंकवादियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी है। इस बीच यहां ये दो जवान हम देख सकते हैं कि एक जवान संकट में है और कैसे उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये ओमान के सैनिक हैं जो अपने साथी को इस वक्त जो कि बेहोश हो गए हैं और उनका वो इलाज कर रहे हैं, उन्होंने उनको इस वक्त अपने साथ ही रखा हुआ है। लेकिन इस बीच ही आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लगातार फायरिंग हो रही है। चप्पे चप्पे पर सैनिक बिखर चुके हैं और कोशिश देख सकते हैं, एक सैनिक इस वक्त छत तक पहुंच गया है आतंकियों पर सीधा हमला करने के लिए। अत्याधुनिक मशीन गनों के साथ लैस हैं ये तमाम सैनिक और यही इस युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हूबहू वही चीजें दिखाई जाती हैं, वही चीजें की जाती हैं जो युद्ध और आतंक से मुकाबला करते वक्त समस्याएं सामने आती हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है और ये देखा जा सकता है एक बड़ा धमाका भी हुआ आतंकियों के गढ़ पर और सैनिक लगातार रेकी कर रहे हैं ताकि एक भी आतंकवादी बचने न पाए। अब सारे के सारे जो सैनिक हैं वो बाहर आ चुके हैं, यानी कि आतंकियों का सफाया कर दिया गया है, भीतर एक भी आतंकवादी नहीं है। लेकिन बावजूद उसके अपनी सावधान की पोजीशन को नहीं छोड़ा है और एक एक जगह को बाकायदा देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवादी बचने ना पाए। बम यहां पर फेंका गया है और इस बीच में ये एक टैंक आया है इन तमाम आतंकवादियों को निपटाने के लिहाज से, उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और उसमें से जवान उतर रहे हैं क्योंकि यहां पर मेडिकल टीम ऐसा लगता है साथ में पहुंची है, क्योंकि एक जवान जो है इस वक्त उसको यहां पर जरूरत है चिकित्सकीय सहायता की। और बीच युद्ध के मैदान में आतंकवादियों के ठीक गढ़ के सामने ये जवान घायल था और हमने बताया इसकी मदद के लिए टैंक के जरिए इस वक्त यहां पर चिकित्सकीय सहायता को पहुंचाया गया है, स्ट्रेचर भी लाया गया है और बीच युद्ध के मैदान या यूं कहें आतंकवादियों के गढ़ के सामने कुछ इस तरीके से चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए जवान को यहां से ले जाया जाएगा स्ट्रेचर पर अगर उसकी हालत गंभीर है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि उसको वहीं पर उपचार दिया जाए, लेकिन अगर स्थिति गंभीर होती है तो ऐसे में बीच युद्ध के मैदान से कैसे घायल सैनिकों को निकाला जाता है ये भी हम यहां साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक सामने वही जगह है जहां पर आतंकवादी थे और उनका यहां पर आतंकवादियों को जवाब दिया गया, पूरे इलाके को खाली करा लिया गया और उसके बाद अब इस जवान को जो कि गोली लगने से घायल हुआ था उसको यहां पर मदद पहुंचाने के लिए चिकित्सकीय टीम पहुंची है, मेडिकल टीम पहुंची है और उसको स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा और एक टैंक के जरिए जो एम्बुलेंस है यानी मेडिकल रिलीफ टीम के लिए एक टैंक यहां पहुंचा है और अब इस जवान को यहां से ले जाया जा रहा है। समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और यहां पर भी समय जो है रियल टाइम जिसको कहते हैं उसका ध्यान रखा जाता है। इस बीच हम देख सकते हैं ड्रोन यहां पर पहुंच चुका है ये रेकी करने के लिए पूरे इलाके की, कि किसी भी प्रकार के और आतंकवादी अगर छुपे हों तो उनके लिए रिपोर्ट की जाए। ये ड्रोन इस वक्त यहां काम कर रहा है और इसी के जरिए पूरे इलाके पर निगरानी रखी जा रही है, सर्विलांस रखा जा रहा है ताकि ये पता लग पाए कि कोई और आतंकवादी इस जगह पर छिपा हुआ तो नहीं है। यानी कि तकनीक, समय और तत्परता, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के मैदान में और इन तमाम बातों का खास ख्याल करते हुए इन तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। दोनों देश भारत और ओमान एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी और पीस कीपिंग ऑपरेशंस, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के तहत हो चाहे एक जॉइंट फोर्स के तहत हो, इस चीज़ की तरफ फोकस रहता है। तो हमारा पूरा मकसद ये था
कि दोनों देश की आर्मी एक दूसरे के साथ अपने ड्रिल्स को सुधार सकें, अपना बैटल प्रोसीजर्स, अपने बैटल ड्रिल्स को आपस में शेयर कर सकें और कभी भी आगे मौका लगेगा तो ज्वाइंटली ऑपरेशन करके उसको अच्छे से अंजाम दे सकें। आतंकी और आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है, लेकिन खतरा अभी भी हो सकता है और ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन को लाया गया है ताकि अगर वहां पर कोई बॉम्ब हो और जो जिंदा हो उसको कैसे खत्म किया जाए। और इस बीच इसके लिए इसके अलावा लगातार रेकी के लिए यहां पर हम ड्रोन को भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भले ही ऑपरेशन खत्म हो गया हो लेकिन खतरे की संभावनाओं को देखते हुए सेनाएं कुछ इसी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। ये देख सकते हैं कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि अगर वहां कोई बॉम्ब हो तो उसको डिफ्यूज करके, ये बॉम्ब लेकर के जाया जा रहा है और इसको डिफ्यूज किया जाएगा इसी रोबोट के जरिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि अगर बम जिंदा है और ऐसे में वो किसी का नुकसान हो सकता है, ऐसे जान जा सकती है, इसलिए इस तकनीक का इस्तेमाल युद्ध और आतंकी इलाकों में किया जाता है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।